हरी भाई प्राइवेट लिमिटेड के फेल हो जाने के बाद अपने संसाधन व अपने रिसोर्सेज के द्वारा जिसे कार्य कराया जाए, जिससे देश में स्वच्छता की रैंकिंग में प्रयागराज शहर का प्रथम स्थान दिलाकर प्रयागराज की गरिमा हम लोग बढ़ा सकें। दूसरा हम लोग का मुद्दा है देखिए, आज हम लोगों ने नगराग महोदय के यहाँ 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग आए हुए हैं। जो शहर में जो ब्याप जिस तरीके से नगर निगम कर्मचारी द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सफाई के नाम पर जो करोड़ों रुपए आया, जो 4 दिन की बारिश में ही जिस तरीके से नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, वो आम जनमानस और आप सभी लोग देख रहे हैं। और पशुपालकों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, रात में 2 बजे 3 बजे रात में नगर निगम की गाड़ियाँ जाती हैं और उनके बंधे हुए जानवर जो खूंटे से खोले जा रहे हैं, इस तरीके की जो अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करके जिस तरीके से कूड़ा कलेक्शन के नाम पर जो आम जनमानस की जेब से जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आज हम कोरोना प्रोटोकॉल का जिस तरीके से अनुशासन में रहते हुए हम लोगों ने, समाजवादियों ने, जो संविधान को मानने वाले लोग हम लोग हैं, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी बातों को कहें। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। संदीप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना पीड़ितों को लेकर क्या मांगे हैं? देखिए, कोरोना पीड़ित जो जिनके परिजनों की जो मालिक हैं, भवन स्वामी जिनकी डेथ हो गई है, जिनको कोरोना काल से मृत्यु हुई, ऐसे परिवारों को वाटर टैक्स और हाउस टैक्स जो है उसको पूरी तरीके से माफ़ किया जाए, उनकी बिजली का बिल भी माफ़ किया जाए। हम लोग डीएम के यहाँ भी, महोदय के यहाँ भी जाएंगे। तमाम लोग